नमस्कार दोस्तों, आज 17 अगस्त 2022 है। एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के सुनाने के पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिनसे उनको भी फ़ायदा पहुँचे। एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा होता है और राजा वो बहुत दयालु होता है, काइंडनेस होता है उसमें ना, बहुत ज़्यादा दयालु होता है। वो किसी को दुखी नहीं देख सकता। तो एक बार ऐसे ही बाग में टहलने जाता है, तो बाग बाग बगीचे तो होते ही थे, है ना, तो और आज भी बाग बगीचे हैं ही। तो बाग में टहलने जाता है तो एक पक्षी को मरा हुआ पाता है, कहीं पे गिरा हुआ है पक्षी, मरा हुआ पाता है। तो पूछता है अपने मतलब जो सहचर होते हैं उनसे पूछता है कि ये पक्षी आखिर मर क्यों गया है ना, क्या हो गया, ऐसा ऐसे क्यों मरा है, दिखने में तो स्वस्थ दिख रहा है पर क्यों मर गया है। तो उसने कहा, महाराज अभी अकाल पड़ा है तो इनको अनाज नहीं मिल पा रहा है बहुत अच्छे से, तो इसके कारण से ये मर गए हैं, है ना। तो अब राजा को ये ध्यान थे कि अच्छा, अकाल पड़ गया है तो ये पक्षी मर गए हैं, ऐसे और भी पक्षी मर जाएंगे। तो राजा आदेश देता है कि सरकारी खजाने से अब रोज जो है पक्षियों को दाना दिया जाए। अब राजा का आदेश, रोज सरकारी खजाने से या जो अनाज हैं उनसे आधा बोरी या एक बोरी अनाज उस पेड़ के नीचे डाल दिया जाता था। रोज बहुत सारे पक्षी आ जाते थे चुगने, है ना। इसी तरीके से राजा किसी दिन बीमार हो जाता है, या जो दाना देने वाला होता है वो इस मतलब कहीं चला जाता है, या कुछ ऐसी घटना घटती है कि 3 से 4 दिन तक कोई दाना वहाँ पे डलता नहीं है ना। और राजा फिर निकलता घूमने, तो देखता है सैकड़ों पक्षी उस पेड़ के नीचे मरे पड़े हैं, है ना। तो सैकड़ों पक्षी उस पेड़ के नीचे मरे पड़े हैं। अब इस कहानी से आपको यह निकालना है कि आखिर वो पक्षी मरे कैसे थे, और इसका वर्तमान स्थिति से क्या संबंध है। इस कहानी को मैंने क्यों सुनाया है ना, इस कहानी का यहाँ पे क्या प्रसंग है या क्यों प्रासंगिक है, क्यों सुनाया है ना। तो इसे आप आंसर के रूप में मुझे लिख के भेजें और विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करें। बिल्कुल उल्टा पुल्टा कोई उत्तर ना लिखें, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से ये आप विश्लेषण इसका कर सकते हैं और उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम द हिंदू में पहली न्यूज आज की क्या है। चाइनीज ट्रेकिंग वेसल्स रीच श्रीलंका पोर्ट, है ना। श्रीलंका के साउथ में एक हम्बनटोटा पोर्ट है, साउथ में है, ध्यान रखिएगा साउथ में है श्रीलंका के, जैसे जैसे श्रीलंका है तो यहाँ पे हम्बनटोटा पोर्ट है। अब हम्बनटोटा पोर्ट में एक चाइनीज वेसल आया है, जिसके बारे में क्या आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो है जासूसी वो है, चाइना सेटेलाइट ट्रेडिंग ट्रैकिंग वेसल्स है और ये जासूसी वेसल है या जासूसी पोत है ना। इसके बारे में अमेरिका और भारत ने इस पर मतलब चिंता जताई थी, है ना। तो इसी पे अभी देखना है कि भारत आगे क्या करता है। इसके बाद है स्टेपिंग बैक फ्रॉम एन एकोलॉजिकल एबिस, है ना, पेज नंबर 8 पे है। और अब हमें यह है कि यहाँ पे बैक है ना, देर इज ए नीड टू बैलेंस इंडिया डेवलपमेंटल नीड विद द सस्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल फाउंडेशन। अब हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हम बहुत तेजी से विकसित तो हो रहे हैं, लेकिन हमें जो इकोलॉजिक है, इकोलॉजी है या एनवायरनमेंट है, उसके ऐसे उपयोग करने पड़ेंगे जिससे कि हम बैलेंस होके चल पाएं, है ना। अभी हमने अमृतकाल तो घोषणा कर दी अमृतकाल की, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इसे इस तरीके से विकास करेंगे कि जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो हमारा बिगड़े नहीं, या एनवायरमेंटल सिस्टम है वो हमारा बिगड़े नहीं, ठीक है। तो ये है। इसके बाद जो है अगली न्यूज जो है
वो है हाई पॉइंट्स इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ठीक है, हाई पॉइंट्स। द काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्री रिसर्च हैज अंडरटेकन इट्स मिशन इफेक्टिवली एंड इंडिपेंडेंस, है ना। तो जो साइंस और साइंस टेक का वो मामला है, वो किस प्रकार से इसका विकास हुआ है, इसके बारे में पूरी बात की गई, इसकी विकास यात्रा के बारे में पूरी बात की गई है, ठीक है। इसके बाद जो है अ प्रोब इनटू द नेहरूवियन प्लेज, नेहरूवियन प्लेज जो नेहरू के टाइम से जो चला आ रहा है और उसके टाइम से जो बातें की जा रही हैं, या एक तरीके से पॉवर्टी, या मतलब एक तरीके से जो भारत के विकास यात्रा में क्या क्या बाधाएं आई और किस किस प्रकार की चीज़ें हम लोगों ने की है, इसके बारे में बात की गई है। जैसे आप समझिए कि मेन वुमेन एंड इक्वलिटी, है ना, एट द मिड नाइट वी शाउटेड द स्लोगन बोलो भारत माता की जय, ब्लिसफुली अनवेयर अनअवेयर ऑफ द अनफ्रीडम्स ऑफ वुमेन इन दोज डे, टुडे वन विल बी। तो इस प्रकार से पूरे पूरे एक ये दिखाया गया है कि हमारा जो मामला है, या मॉर्टिलिटी रेट है, या इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट है, MMR है, IMR है, ये इस प्रकार के किस मतलब एक पूरा का पूरा परिदृश्य, चाहे वो वुमेन का मॉर्टिलिटी रेट का हो, दंड का हो, या बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में यहाँ बात की गई है। जैसे यहाँ पे देखिए, रिड्यूसिंग द इनइक्वलिटी बिटवीन द मेन एंड वुमेन, देयर एक्सेस टू रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटी एंड इम्पॉर्टेंट मेट्रिक्स ऑफ सिविलाइजेशन, द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। मतलब क्या अंतर है, किस तरीके की बातें की गई हैं और उनके लिए क्या किया गया है, इसके बारे में पूरी बात की गई है, ठीक है। इसके बाद है द कमिंग 75 ईयर्स, है ना, द कमिंग 75 ईयर्स, ये हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज पॉसिबल इफ इंडिया शिफ्ट इट फोकस टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होती है ना, अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होती है। जैसे आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ कि आज से पहले, मतलब कुछ दिन पहले, या 20 साल 25 साल पहले चले जाइए, तो आज से 25 साल या 30 साल पहले चले जाइए, तो उस समय जो शुगर खाता था, चीनी खाता था, वो उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या थी, हाई थी। और जो गुड़ खाता था, है ना, जो मोलासेस, अंग्रेजी में मोलासेस बोलते हैं, ये खाता था, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउन थी। क्यों डाउन थी, क्योंकि चीनी बहुत अच्छी दिखती थी और महंगी बिकती थी, गुड़ की अपेक्षा ये महंगी बिकती थी। आज बात उल्टी है, जो गुड़ खाता है उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, जो चीनी खाता है उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे है। एक और उदाहरण देता हूं, आपने ये देखा होगा, ये बर्तन जो दिख रहा है ये एल्यूमिनियम का है। एक समय ऐसा था कि आप चांदी के बर्तन में खा रहे हो और कोई एल्यूमिनियम के बर्तन में खा रहा है ना, तो किसके ऊपर है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसका, क्योंकि एल्यूमिनियम उस समय तक इतना नहीं खोजा गया था जितना आज खोजा जा चुका है ना। तो इस तरीके की बातें हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपनी बदलनी है, और उसके लिए साइंस टेक्नोलॉजी में जाना पड़ेगा। अब ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब ये नहीं है कि हम खान पीन की बात करें, खाने पीने की बात करें, सबसे बड़ी बात है कि लोगों की नीड जो है, बेसिक नीड जो है, उसे पूरा करें, है ना। बेसिक नीड यदि हम पूरा कर पाते हैं, एक लेवल तक पूरा कर पाते हैं, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारी ठीक ठाक होगी, जिसमें हेल्थ सेक्टर में फिर कमी आएगी, बीमार कम होंगे, है ना, बीमार कम होंगे, एजुकेशन में हम पैसा खर्च पर कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि एक स्वस्थ शरीर जब होगा तो हमारा देश का अपने आप विकास होगा, है ना। इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग एथेनॉल ब्लेंडिंग, है ना। एथेनॉल ब्लेंड आपको पता होगा, एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है, अभी तक हम लोगों ने 10% टारगेट रखा था, जैसे पेट्रोल मान लीजिए 90% और एथेनॉल 10%, और इसे आगे बढ़ा के 20% किया जाना है। तो 20% किया जाना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80%। इसका मतलब क्या है कि आयात हमको कम करना पड़ेगा, आयात कम करना पड़ेगा तो क्या बचेगा, डॉलर, डॉलर बचेगा ना। तो डॉलर बचेगा तो इससे क्या होगा, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे देश की ताकत बढ़ेगी। तो
तो ये चीजें हैं। तो एथेनॉल परसेंट, अब यहाँ पे क्या आता है कि एथेनॉल किससे बनाया जाएगा, तो मान लीजिए शुगर केन से बनाया जाता है या गन्ने से बनाया जाता है, तो गन्ने से बनाया जाता है तो इसमें चीनी पे असर पड़ सकता है ना, चीनी व्यापार, चीनी के बाजार पे असर पड़ सकता है, चीनी महंगी हो सकती है। तो क्या चीनी महंगी इतनी हो जाएगी कि हम लेने लायक ना बचें, तो इसे पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये लेवल इतना ही होना चाहिए कि ये जो है उस लेवल को पार ना कर जाए जहाँ पे हम ना सोच सकें, है ना। तो इस तरीके से उसके बाद इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है यहाँ पे समझ लीजिए उसको, ठीक है। इसके बाद जो है लिटरेरी ट्रेल ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, लिटरेरी ट्रेल ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बारे में बात की गई है और ये किताबें हैं उनकी, तीन बुक बात की गई है, तो थोड़ा सा देख लीजिए, बाकी कोई मतलब नहीं है। ऐसे सलमान रुश्दी के बारे में भी चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो सलमान रुश्दी को आप जानते ही होंगे, इन्होंने एक किताब लिखी है सैटेनिक वर्सेस, है ना, शैतानी आयतें, और इसी के कारण वो चर्चा में हैं, बहुत चर्चा में रहते हैं। और ईरान ने कहा है कि हमने तो ये काम नहीं किया है, लेकिन जिसने भी किया है वो उसने अच्छा किया है ना। आपको पता होगा कि सलमान रुश्दी के गले में चाकू मार दिया गया था, या उनको चाकू मारा गया था कई जगह पे, तो उनकी आँखें या लीवर थोड़ी डैमेज हो गए हैं। तो इस तरीके से, तो किताबों के थ्रू हम चीज़ें सीख सकते हैं। तो यहाँ पे तीन किताबों के बारे में बात की गई है, तो उसे आप देख सकते हैं। इसके बाद है चाइल्ड मॉर्टेलिटी हैज़ डिप्ड 35 पर ईयर पर 1000 बर्थ, है ना, चाइल्ड मॉर्टेलिटी कम हो गया है, तो अच्छी बात है ये, बहुत कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी या चाइल्ड मॉर्टेलिटी कम हो तो ये हमारे देश के लिए, अभी यहाँ पे 2014 में कितना था आप देख पा रहे होंगे, 45, और अभी ये कितना हो गया, 35, तो अच्छी बात है कि 10 कम हो गया है। तो इस प्रकार से ये देख सकते हैं, और किस डाटा में आया है, नेशनल कैंपेन पालन 1000, ये जो डॉक्टर स्पीकिंग मतलब पवार बोल रहे थे, और उसी में उन्होंने स्टेट ऑफ हेल्थ भारती प्रवीण पवार जो है उन्होंने डाटा दिया है, तो उसी में ये डाटा मिला है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, मॉर्टेलिटी कम हुआ है तो ये अच्छी बात है। उसके बाद है जुलाई होलसेल इन्फ्लेशन स्लो टू 13%, जो जुलाई का होलसेल इन्फ्लेशन वो है थोक महंगाई दर, वो कम हुआ है ना, 15, जून में था 15.18% और अब जो है 13.93% हो गया है, तो ये कम हुआ है, तो थोड़ा सा थोड़ी राहत मिलेगी लोगों को, आम लोगों को। इसके बाद है अंबानी यूनिट टू बाय ICD टर्म फॉर 835 करोड़, है ना। अब ये क्या है, क्या खरीद रहा है, तो अडानी जो है वो जो यूनिट ICD टर्म फॉर 835 करोड़। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था कि अडानी जो भी चीज़ें खरीद रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ये ऑनलाइन बिजनेस नहीं चल रहा है इनका, ऑनलाइन बिजनेस नहीं है ये, जमीन पे है। तो जमीन पे जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके डूबने के चांसेस कम होते हैं, ध्यान रखिएगा, उनके डूबने के चांसेस कम होते हैं, और इसके कारण से अडानी को बहुत ज़्यादा लोन मुहैया कराया जा रहा है, ठीक है। तो लोन मुहैया कराया जा रहा है और उसके बाद ये खरीदते जा रहे हैं और ये काफ़ी आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड टू सब स्टेबलाइज बाय सेप्टेम्बर एंड, है ना। तो इन्होंने कहा है कि जो इन्फ्लेशन में SBI चेयरमैन जो है दिनेश कुमार खाड़ा, उन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड टू स्टेबलाइज हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा सितंबर एंड तक। बढ़िया बात है। आपको पता है कि इन्फ्लेशन कितना से कितना होना चाहिए, 2, सॉरी 4 प्लस माइनस 2, ये प्लस माइनस 2 क्या मतलब है, 4 होना चाहिए, यदि 2 तक जाता है तो भी ठीक है माइनस में, और प्लस में 6 तक जाता है तो भी ठीक है, लेकिन इससे आगे बढ़ना खतरनाक है और इससे नीचे जाना खतरनाक है। इससे मंदी का खतरा हो जाएगा, इनसे बहुत ज़्यादा महंगाई का खतरा हो जाएगा। तो स्टेबल होने की बात है, 6.71 है अभी, आगे देखते हैं क्या होगा, ठीक है। आज के अखबार में इतना ही, धन्यवाद।